दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा साथियों। आज जो आर्मी की धुन इस समय आप सुन रहे हो, ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रिखणीखाल ब्लॉक के छोटा सा गांव ग्राम गोछणा फौजी भाई के आकस्मिक मृत्यु हो गई है दुर्घटना के कारण। मात्र अभी शादी के 3 महीने पहले शादी हुई थी और शादी के 15 दिन बाद एक दुर्घटना का शिकार हो गया हमारा नवीन सिंह फोर्थ गढ़वाल राइफल के राइफलमैन। आज अपना शरीर छोड़ गए। बहुत ही दुखी के साथ यहाँ वीडियो बना रहा हूँ साथियों। भगवान पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। लेंसडोन से पूरे सेना सम्मान के साथ आज अंतिम यात्रा पे फौजी भाई नवीन सिंह मात्र अभी 26-27 साल ज़्यादा से ज़्यादा उम्र रही होगी और शादी के 15 दिन बाद ही यहाँ घटना घटित हो गई। अभी हाथों की मेहंदी सूखी भी नहीं थी। उसके बाद 3 महीने तक कोमा में रहने के बाद आज 3रे दिवस में घर में पहुंचा पार्थिव शरीर। कितना बड़ा दुख परिवार के लिए साथियों। इस दुख की घड़ी में भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना है कि पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। और अब अंतिम यात्रा में इस समय सेना की गाड़ी पूरे गढ़वाल सेंटर जो है गढ़वाल राइफल का लेंसडोन से आई हुई है और ये अंतिम यात्रा में इस समय यहाँ से अब शमशान घाट कुछ ही मीटर की दूरी पे साथियों। कठिन परिस्थिति है, विषम परिस्थिति है। पूरे सैन्य सम्मान के साथ इस समय अंतिम यात्रा में भाई फौजी भाई नवीन सिंह आपकी आत्मा जहाँ भी रहे फूलों में रहे, सुखी रहे और परिवार को इस दुर्घटना जो बड़ी आप छोड़ गए सत्य सहने के प्रभु से प्रार्थना है कि ये दुखद घटना को सहने की शक्ति प्रदान करे। अब आगे उबड़ खाबड़ रास्ता था, आपके सबसे कितनी कठिनाई से रास्ता है। अंतिम यात्रा में इस समय फौजी भाई नवीन सिंह बहुत ही दुखद घटना साथियों। ये सभी नौकर से किया गया और यहाँ पे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई इस समय देते हुए दरवाजन दे सकते हो आप। बहुत ही दुखद घटना इस समय भाई थोड़ा सब नहीं है कहने के लिए साथियों। इतनी दुखद घटना ये है परिवार के लिए। 3 भाइयों में से सबसे छोटा भाई नवीन सिंह 3 महीने पहले शादी हुई, शादी के 15 दिन बाद यह घटना घट गई। उसके बाद कोमा में रहा और इलाज चलता रहा उसे। आखिरकार जीवन की जंग हार गए फौजी भाई। इस समय पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हुए गढ़वाल राइफल से भी आई हुई है, लेंसडोन से और दिल्ली से भी आई हुई है। तीन तीन यहाँ पे आर्मी की गाड़ी अंतिम विदाई देने के लिए। इस समय आप दे सकते साथ ही बहुत ही व्याकुल मन से यहाँ वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ साथ ही। जो अंतिम विदाई में शामिल नहीं हो सके उनके परिवार जनों को प्रभु इस दुखद घटना सहने की शक्ति प्रदान करे।
मैं डालूं ना देते हुए भगवान पुण्य आते हैं तो अपने श्री चरणों में परिवार को बहुत घटना सहने को सबको प्रदान करें। बहुत विशाल से कहीं आते हैं।